हेलो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। बेल आइकन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो का। थैंक यू दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपको इंडियन एयरफोर्स का। आपका वैकेंसी निकल चुका है, ठीक है ना। ग्रुप सी सिविलियन का वैकेंसी निकल चुका है, मैट्रिक लेवल का है, ठीक है। फॉर्म तो 10th पास जो भी हैं वो भर सकते हैं आप लोग। जो भी निकला हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, कानपुर से निकला हुआ है, कानपुर, चंडीगढ़ और भी बहुत जगह से निकला हुआ है, सब एयरबेस से निकला हुआ है आपका। जो भी स्टेशन है एयरफोर्स स्टेशन उससे, तो मैंने सीट शो कर दिया। टोटल 145 सीट पर भर्ती होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लें। और जो भी ट्रेड है उनसे रिलेटेड मैंने डाल दिया है आपको स्क्रीन शॉट करके, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि अगर मैट्रिक पास, 12th पास, हर एक तरह का है, LDC का भी आपको वैकेंसी है, तो आप लोग अप्लाई जल्दी से जल्दी करें, लेट ना करें अप्लाई करने में, ठीक है दोस्तों। बस मैं इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस यही बोलना चाहता हूँ आप लोग अप्लाई जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि आपका 30 दिन का टाइम है। आज से 20 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है, और देखिए और भी ट्रेड हैं इसमें, कुक है, मेज स्टाफ है, MTS है, सब सामने शो कर दिया। मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास सब मंगाया गया है, आप देख सकते हैं। निकला हुआ है पुणे से, निकला हुआ है नासिक से, निकला हुआ है चेन्नई, दिल्ली, न्यू दिल्ली से भी निकला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन से। तो आप लोग 145 पोस्ट पर टोटल भर्ती होने वाला है, तो आप लोग देख लें। पेंटर का भी निकला हुआ है, क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ITI का तो आप दे सकते हैं। एक सर्विस मैन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सर्विस मैन वाले भी भर सकते हैं, इनको छूट दिया गया। और आपका मेस स्टाफ भी है, हाउस कीपिंग के लिए कुछ नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस ओनली मैट्रिक पास मांगा गया है हाउस कीपिंग के लिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और देर ना करें दोस्तों, ठीक है। और कैसे फॉर्म भरना है आप देख सकते हैं। और इधर देखिए, आप बेंगलोर से भी निकल गया है आपका, मध्य प्रदेश में, तो कानपुर, हरियाणा, न्यू दिल्ली, पालम, नासिक, चेन्नई, अवधि। और फायरमैन का इसमें खास करके आपको चेन्नई में फायरमैन का पोस्ट दिया गया है, तो आप लोग देख लें। फायरमैन का जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया, मैट्रिक पास मांगा गया है, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों को कुछ कोई प्रॉब्लम तो ऐसे आना नहीं चाहिए इसमें, और कुछ हो सकता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन भी इसमें खास करके मांगा गया है आपका। इसमें फायरमैन वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फायरमैन वालों को बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आती है, इनको फिजिकल फिट 63 kg आपको वजन उठा कर दौड़ना पड़ेगा फिजिकल में आपको एयरफोर्स स्टेशन में। और भी आपको कैसे फॉर्म भरना है आप देख सकते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका कैसे होगा, एज लिमिट क्या मांगा गया है, 18 से 25 साल, फायरमैन के लिए 18 से 27 साल, ST SC के लिए 3 साल, और OBC के डिग्री के लिए 3 साल मांगा गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस तो आपका बताइए, देख लीजिए, रिटेन होगा पहले आपका, उसके बाद आपका बस रिटेन ही होता है इसमें, और फिजिकल जिसमें फिजिकल होगा, और उसके बाद मेरिट लिस्ट लग जाएगा आपका। और अप्लाई आपको कैसे करना है आप लोग देख लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जय हिंद दोस्तों।